तो आज से हम लोग कंट्रोल सिस्टम पे स्टार्ट करेंगे। आपका पैरेलली आपका माइक्रो प्रोसेसर भी चलता रहेगा, ठीक है। तो आज कंट्रोल सिस्टम का फर्स्ट क्लास है। तो पहले कंट्रोल सिस्टम पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स देखेंगे कि कौन कौन से सिग्नल्स, बेसिक सिग्नल्स होते हैं जो आप यूज करेंगे इसमें, ठीक है। जो चीजें आपने पढ़ रखी होगी पहले से भी, उसके बाद हम देखेंगे आपका लाप्लास क्या होता है, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जो कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे। तो देखो, जो आपका कंट्रोल सिग्नल है वो पढ़ने से पहले हम कुछ सिग्नल्स देखेंगे जो कि आप इसमें यूज करोगे आपके कंट्रोल सिस्टम में एज अ इनपुट सिग्नल, ठीक है। तो वो सिग्नल्स कौन कौन से हैं? पहला आपका है यूनिट इम्पल्स सिग्नल, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट मीन्स वन, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या आपका यूनिट इम्पल्स सिग्नल को आप कैसे लिखते हो? कोई भी फंक्शन है उसको यूनिट इम्पल्स सिग्नल को आपको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? x ऑफ t इक्वल्स टू डेल t, इसे क्या कहते हैं? डेल t, ठीक है। इसे डेल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये इम्पल्स फंक्शन का फंक्शन जो आपका इम्पल्स जो सिग्नल है उसका सिंबल है डेल t, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या है? यूनिट इम्पल्स सिग्नल। तो यहां पे क्या आपका वन है, इसलिए मैंने क्या कहा इसे? यूनिट इम्पल्स सिग्नल। यहां पे इसका और भी कुछ हो सकता है, इसका एम्पलीट्यूड कुछ भी आप लिख सकते हो, मान लो टू हुआ, थ्री हुआ, फोर हुआ, लेकिन यहां पे क्या हमने लिया है? वन लिया है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? यूनिट इम्पल्स सिग्नल, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? डेल्टी आपका क्या होगा? डेल्टी इक्वल्स टू जीरो व्हेन टी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। डेल्टी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो व्हेन टी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। जहां पे भी आपकी टी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, वहां पे जो आपका डेल्टी फंक्शन है वो क्या होगा? जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपना ये एक्सेस बनाया है, ये टाइम एक्सेस है, तो यहां पे क्या आपका जीरो, यहां पे क्या हो जाएगा? वन टू थ्री फोर। तो यहां पे टी की वैल्यू क्या है? वन है, टू है, थ्री है, फोर है। तो उस जगह पे आपकी डेल्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। और जहां पे आपका t इक्वल्स टू जीरो है वहां पे डेल्टी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, यहां पे डेल्टी फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये उसका एरिया हो गया जो यहां पे हमने लिया था वन, समझ के यहां तक। तो हम डेल्टी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, डेल्टी आपका क्या है? दैट इज अ इम्पल्स फंक्शन। अब मैंने क्या बोला? इम्पल्स सिग्नल, ठीक है। मैंने यूनिट नहीं बोला, सिर्फ बोला इम्पल्स सिग्नल। इसका मतलब क्या हो सकता है? यहां पे आप जो पहले यूनिट में क्या लेके चल रहे थे? वन लेके चल रहे थे। तो यहां पे कोई सा भी आपका हो सकता है, कोई सा भी मतलब आप ये वैल्यू ले सकते हो। यहां पे जैसे हमने वन लिया, तो आप वन की जगह क्या लिख सकते हो? ए की वैल्यू टू ले सकते हो, हाफ ले सकते हो, थ्री ले सकते हो, फोर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो सिंपली मैंने उसे कैसे रिप्रेजेंट किया? डेल्टी इक्वल्स टू सॉरी एक्स टी इक्वल्स टू ए डेल टी, ठीक है। तो यहां पे क्या आप लिख दोगे? और देखो एक चीज मैंने आप यहां पे जो आपका है जो डेल्टी फंक्शन होता है, ये क्या सिंबल है आपका? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जब इंटीग्रेट करोगे किसी भी फंक्शन को, मान लो मैंने डेल्टी को इंटीग्रेट किया तो क्या हो जाता है? ये आप मालूम है मेरे को इंटीग्रेशन दिया हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि आपका जो एक्स टी जो फंक्शन दे रखा है उसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक डेल्टी का एरिया पूछ रहा है। तो डेल्टी का एरिया क्या हो जाता है? जो ये वन है वही आपका डेल्टी का एरिया हो जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपका एरिया हो जाता है। मान लो यहां पे पूछा, यहां पे मैंने क्या बोला आपका? इम्पल्स सिग्नल। तो इम्पल्स सिग्नल क्या हो जाएगा? यहां पे मैंने क्या लिया? यूनिट इम्पल्स सिग्नल नहीं लिया, सिर्फ मैंने इम्पल्स सिग्नल लिया, ठीक है। तो उस समय एरिया इसका कुछ भी हो सकता है, यहां पे जो आपने चीज लिखी है ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहां पे मैंने क्या लिया? एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ए डेल्टी। डेल्टी यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस सिग्नल का, ठीक है। इसकी हाइट क्या होती है? इन्फाइनाइट होती है। डेल्टी की हाइट जो होती है इन्फाइनाइट होती है, ठीक है। तो यहां पे ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है आपके फंक्शन का, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जैसे आप यहां पे क्या लिखोगे इसकी, इसे और कैसे लिख सकते हो? ए डेल टी इक्वल्स टू जीरो व्हेन टी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ए डेल टी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो व्हेन टी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, समझ गए।
तो क्या बोल रहा है कि अगर आपकी जो आपका अगर टी की वैल्यू जीरो नहीं है तो उस समय इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अगर टी की वैल्यू जीरो है तो उस वक्त इस फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका एरिया है, ये आपकी हाइट नहीं है, ये आपका एरिया है। तो आपका हाइट क्या होता है डेल्टी फंक्शन का, एट टी इक्वल्स टू जीरो आपका कोई जो भी फंक्शन होगा ए डेल्टी, ये क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाता है। इसकी हाइट क्या होती है, इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड का होता है, समझ गए। तो यहां पे क्या रिप्रेजेंट करोगे, जीरो पे क्या करोगे, एक एरो बनाओगे आप, उसका एरिया क्या लिखोगे ए, ठीक है। दिस इज अ इम्पल्स सिग्नल, और ऊपर वाला क्या था, यूनिट इम्पल्स सिग्नल, क्योंकि हमने उसका एरिया क्या लिया था, वन लिया था, ठीक है। तो जो आपका इम्पल्स सिग्नल होता है वो क्या होता है, इम्पल्स सिग्नल हैज अ कॉन्स्टेंट एरिया, ठीक है। इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका एरिया बताओ, तो एरिया के मैंने क्या बोला था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, किसका एरिया बताना है, ए डेल्टी का एरिया बताना है, ठीक है। तो ए तो आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप क्या करोगे, बाहर ले लोगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टी, इसका एरिया मैंने बताया था वो कितना होता है, वन होता है, क्या हो जाएगा ए इंटू वन, दैट इज ए, ठीक है। तो यही इसका क्या होता है, एरिया होता है। यहां तक समझ में आ गया, यूनिट इम्पल्स सिग्नल क्या होता है। इसके बाद जो आपका सिग्नल है दैट इज अ यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है। यूनिट स्टेप सिग्नल को कैसे लिखते हैं हम, एक्स ऑफ टी क्या हो जाएगा यूटी, इसे यूटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहां पे यूनिट हमने क्या लिया, क्यों लिया यूनिट, क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहां पे क्या है, वन है। इसका मतलब क्या हो जाता है, ये आपका हाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब इसका एम्पलीट्यूड क्या है, वन है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन, मतलब इसे और कैसे लिख सकते हैं, यूटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वन होगा वेन टी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो और इक्वल्स टू वन होगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, अदरवाइज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, यहां पे वन टू थ्री। तो टी की वैल्यू जब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो है तो सब जगह क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है इसका, वन है, ठीक है। और इधर साइड क्या है, जीरो है। तो वेन वन इज, मतलब टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो आपकी यूटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, अदरवाइज जीरो रहेगी, समझ गया। तो इस फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल को, ठीक है। चौथा सिग्नल क्या है, स्टेप सिग्नल, ठीक है। यूनिट स्टेप में क्या था, उसका जो एम्पलीट्यूड था वो वन था, यहां पे एम्पलीट्यूड हमने ए ले लिया, तो हमने सेम उसी तरह से लिखेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे, और बस एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, यहां पे ए हो जाएगा। ए यहां पे कुछ भी आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। वन होगा तो क्या होगा, यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट मतलब क्या होता है, वन होता है, ठीक है। और इसमें आपका क्या होता है, जो आपका एम्पलीट्यूड होता है यूनिट स्टेप सिग्नल का, वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। जो इम्पल्स सिग्नल था उसमें क्या होता था, आपका जो एरिया होता था वो कांस्टेंट होता था, और स्टेप सिग्नल में क्या होता है, आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद जो फिफ्थ सिग्नल है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जो फिफ्थ सिग्नल है वो आपका क्या है, यूनिट रैंप सिग्नल। यूनिट रैंप सिग्नल को आप कैसे लिखते हो, एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू यूनिट है, तो यहां पे क्या लोगे, वन लोगे, टी यूटी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यूटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब यहां पे क्या, एक्स ऑफ टी आपने क्या लिया है, टी यूटी, ठीक है। तो इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे क्या वन है, इसका मतलब क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये एक स्लोप रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो टी है, तो टी का ग्राफ क्या, मान लो वाई इक्वल एक्स इक्वल टू वाई होता है, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है आपका, ऐसे ही जाता है ना, जीरो को क्रॉस करते हुए। तो एक्स टी इक्वल टू टी यू टी है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, एक स्लोप बनेगा, एक लाइन बनेगी, और उसका स्लोप क्या हो जाएगा, प्लस वन, क्योंकि यहां पे क्या है, वन है, तो उसका स्लोप हम क्या ले लेंगे, प्लस वन ले लेंगे, समझ गए यहां तक। ये आपका था यूनिट रैंप सिग्नल। इसे और कैसे लिख सकते हो, एक्स ऑफ टी क्या लिख सकते हो आप, टी होगा वेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और जीरो होगा वेन टी इज लेस देन जीरो, ठीक है। देखो, जब टी की वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या, मतलब सॉरी, हाँ, जब टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा तो उसका क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू उस वक्त क्या होगा, टी होगा, ठीक है। और जब जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मान लो कि जैसे मैंने क्या किया, यहां पे जीरो लिया, तो जीरो
मालूम है टी इक्वल्स टू जीरो लिया तो उस वक्त टी की वैल्यू क्या, यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा जीरो, जब टी इक्वल्स टू वन लेंगे तो क्या हो जाएगा वन, जब टी इक्वल्स टू टू लेंगे तो फंक्शन क्या दिया टी दे रखा है तो टी की जगह भी हमें क्या पुट करना होगा टू ही पुट करना होगा, तो टू पे वैल्यू क्या हो जाएगी टू, तो इन दो को जब ज्वाइन करोगे तो क्या हो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं यूनिट रैंप सिग्नल। तो यूनिट रैंप सिग्नल को हम कैसे दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो रैंप सिग्नल है तो रैंप सिग्नल में यहां पे क्या, यहां पे जो चीज होती थी वो क्या होता था आपका स्लोप होता था। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखा, हमने ए लिखा है तो ए यहां पे क्या होगा स्लोप डिनोट करेगा, तो यहां पे जो भी स्लोप होगा यहां पे हम लिख देंगे, मान लो यहां पे हमने ए लिया है तो यहां पे ए लिख देंगे, यहां पे टू लेंगे तो टू लिख देंगे, तो इस तरह से हम इसे शो करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो रिलेशन बिटवीन डेल्टी इम्पल्स सिग्नल यूटी दैट इज अ स्टेप सिग्नल और टी यूटी दैट इज अ रैंप सिग्नल, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। अगर आपको कोई भी रैंप सिग्नल दिया हुआ है अगर आप उसे डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा यूनिट सिग्नल मिल जाएगा, अगर यूनिट सिग्नल को आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा आपको इम्पल्स सिग्नल मिल जाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आप रैंप सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करते हो तो यूनिट स्टेप, ठीक है, रैंप सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करोगे तो यूनिट स्टेप, और यूनिट स्टेप को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको इम्पल्स सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, वैसे सिमिलरली अगर आप यूनिट आप इम्पल्स सिग्नल को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी इम्पल्स सिग्नल को आप इम्पल्स सिग्नल का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यूटी दैट इज अ स्टेप सिग्नल, अगर आप यूटी का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा टी यूटी दैट इज अ रैंप सिग्नल। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन में कैसे जाओगे इधर साइड से और इंटीग्रेशन में इस साइड से, तो अगर आप डेल्टी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा यूटी, यूटी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा रैंप सिग्नल, रैंप सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको स्टेप सिग्नल, और स्टेप सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, अब देखो एक होता है पैराबोलिक सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल को कैसे लिखते हैं ए टी स्क्वायर अपॉन टू यूटी, ठीक है, इस तरह से इसे शो करते हैं, ये आपका पैराबोलिक सिग्नल है, समझ गए। और जो आपका रैंप सिग्नल होता है उसमें क्या होता है जो आपका स्लोप होता है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लिखा है वन साइडेड एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, वन साइडेड क्यों बोल रहे हैं बोला हमने क्योंकि हमने यूटी लगा दिया और हमें पता है कि अगर टी की वैल्यू लेस देन जीरो है तो उस वक्त आपका यूटी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी फंक्शन को आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जीरो ही मिलेगा, राइट। अब देखो मान लो कि इन दोनों फंक्शन को हमें मल्टीप्लाई करना है, ई टू द पावर एटी का वैल्यू क्या होता, मतलब ई टू द पावर एटी का ग्राफ अगर बनाओगे तो क्या आप कैसा आएगा इस तरह का आता है। ठीक है, यहां पे अगर टी की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा वन मिलेगा, तो ये किसका ग्राफ है ई टू द पावर एटी का, इसे किससे मल्टीप्लाई करना है आपको यूटी से, यूटी का हमें पता था कैसा ग्राफ बनता है इस तरह का बनता है। ठीक है, तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है वन है, वन को वन इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा सेम ही, मान लो कि टू इंटू वन करोगे तो हमें क्या मिलेगा टू ही मिलेगा, अगर इसको हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम सिग्नल मिलेगा, राइट। तो हमने ये क्या आपका ये आ गई आपकी वैल्यू क्या है एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ई टू पावर ए टी इंटू यूटी की वैल्यू, समझ गए यहां तक। ठीक है, और ये आपका कब था व्हेन ए इज ग्रेटर देन जीरो, अगर आपकी वैल्यू अब यहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे कैसे ये डिक्रीज हो रहा है तो आप क्या करो टी की वैल्यू को एक बार जीरो पुट करो फिर वन पुट करो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो धीरे धीरे जैसे आप वैल्यूज जो आते जाएंगे वैसे प्लॉट करना और मिला देना तो देखना आप डिकेइंग जो फंक्शन बनेगा ये डिक्रीज करते हुए फंक्शन बनेगा। ठीक है, और यहां पे क्या होनी चाहिए ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे हमने क्या दिया ए की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन जीरो है, यहां पे देखो यहां पे क्या एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ई टू द पावर ए टी यू टी व्हेन ए की जो वैल्यू है हमने क्या लिए ग्रेटर देन जीरो लिए। ठीक है, अगर आपने लेस देन जीरो ले लिया होता तो ये भी क्या हो जाता डिकेइंग फंक्शन बन जाता। ठीक है, तो यहां पे देखो यहां पे अगर आप पुट करोगे यहां पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके देखना तो क्या आ जाएगा आपका जीरो पुट करोगे तो क्या होगा वन मिलेगा, उसके और पुट करोगे तो धीरे धीरे करते क्या हो जाएगा ये राइजिंग फंक्शन बन जाएगा आपका
एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन बन जाएगा, ग्रो होते जाएगा, मतलब बढ़ते जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो, अब उसके बाद जो सिग्नल है वो क्या है, अगर आपको कोई सिग्नल ऐसा दे रखा है x ऑफ t इक्वल्स टू 1 माइनस e टू द पावर ए टी यू टी, ठीक है, तो ut को आप मल्टीप्लाई कर लो, एक्स टी आपको क्या दे रखा है, ut माइनस e टू द पावर ए टी यू टी, राइट, यही दे रखा है, ठीक है। तो इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं, ut प्लस माइनस ऑफ ए टू द पावर माइनस ए टी ut, राइट, लिख सकते हैं इस तरह से, राइट। अब ut का ग्राफ क्या होता है आपका, ये होता है, उसमें आपको किसका ग्राफ ऐड करना है, इसका ग्राफ ऐड करना है, ठीक है। इसका हमने ग्राफ देखा था अभी, जो फर्स्ट पहले वन साइडेड एक्सपोनेंशियल जो देखा है उसका, इसका ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है, राइट, वन। इसमें क्या, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाता है आपका, जो ये हॉरिजॉन्टल आपका एक्सिस है उसके थ्रू मिरर इमेज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा इसका मिरर इमेज, कैसा हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। क्यों, मान लो जैसे यहां पे वैल्यू क्या, वन है, वन में अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये चीज नीचे आ जाएगी। यहां पर मान लो वैल्यू आपकी कुछ भी है, मान लो कि 0.9 है, 0.9 में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, माइनस 0.9, तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ठीक है। तो हमने इसका ग्राफ देखा था, e टू द पावर माइनस ए टी यू टी का ग्राफ देखा था, उसमें क्या करना है आपको, माइनस से मल्टीप्लाई जब करोगे तो वो क्या हो जाएगा, मिरर इमेज बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, राइट, यहां पर वन, यहां पर वन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर क्या है, ये आपका, सॉरी, इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करो, क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस वन, माइनस वन, वन क्या हो जाएगा आपका, जीरो, राइट, वन माइनस वन प्लस वन, जीरो, ठीक है। यहां पे कुछ वैल्यू होगी माइनस में, मान लो माइनस 0.9, और यहां पे वन है, तो क्या हो जाएगा आपका, वन माइनस 0.9 माइनस, मतलब 0.1, ठीक है। तो इसी तरह प्लॉट करोगे ना, तो आपका ग्राफ क्या आ जाएगा, इस तरह का आपको ग्राफ दिखेगा, समझ गया। तो इसका जब ग्राफ आपसे पूछा जाएगा तो कैसा दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, ठीक है। ये आप डैश डैश कर लो, ये नहीं है इसका पार्ट, समझ गया। अगर आपको दे रखा है ए साइन ओमेगा टी यू टी, ठीक है, यू टी जब भी दे रखा होगा दैट्स मीन कि आपका जब टी इज लेस देन जीरो होगा उसके लिए ग्राफ प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। टी इज ग्रेटर देन जीरो इक्वल्स टू जीरो के लिए ही आपका ग्राफ जो होगा प्रेजेंट होगा, बस इसका मतलब यहां पे यही दे रखा है, ठीक है। साइन का ग्राफ क्या होता है, यही होता है, जीरो से स्टार्ट होता है आपका, ऐसे ही होता है ना, साइन का पढ़े हो गए आप लोग, साइन का ग्राफ तो इसी तरह होता है। और ए यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए यहां पर माइनस ए, क्योंकि दोनों इक्वल पीक पे जाते हैं, जितना ऊपर उतना ही नीचे, समझ में आ गया। अब देखो, अगर आपको दे रखा है ए कॉस ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस का ग्राफ कैसे स्टार्ट होता है, यहां से, क्योंकि यहां पे क्या आपका जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो ए से यहां से स्टार्ट करोगे ऐसे, समझ गया, यहां पर माइनस पाई, समझ में आ गया आपको। तो ये आपका होता है साइन का और कॉस का ग्राफ। मान लो आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है, एक्स टी यहां पे क्या दे रखा है, एक्स टी इक्वल्स टू टी साइन टी यू टी, यू टी का मतलब तो क्या है कि आपका जब व्हेन टी इज ग्रेटर देन जीरो के लिए ग्राफ प्रेजेंट होगा, टी लेस देन जीरो के लिए ग्राफ प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस तरह के ग्राफ को आप कैसे प्लॉट करोगे, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या होता है कि जो मान लो कि इस, ये कैसे दे रखा है, एक्स टी इज इक्वल्स टू ए साइन टी ut, या फिर साइन की जगह आपका कॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले रूल क्या है कि जो भी आपका a है उसका पहले आप ग्राफ प्लॉट करोगे, तो a यहां पे क्या आपका t, ठीक है। तो आपको पता है कि कैसे t का ग्राफ कैसा होगा, डॉटेड से आपको प्लॉट करना है, t का ग्राफ ऐसे ही होगा, राइट। उसके बाद क्या करना है, टेक द मिरर इमेज ऑफ दिस ए, ठीक है।
अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके अबाउट आपको इसका मिरर इमेज लेना है, ठीक है, जैसा ऊपर है वैसे ही आपको नीचे बना देना है, राइट। उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपकी एक्सटी की वैल्यू दी है, टी पे एक्सटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो मतलब टी इक्वल टू जीरो पे एक्सटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो जब आप टी की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो इंटू साइन जीरो यू जीरो, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो ही हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब आपका क्या हो रहा है, जो भी आपका ग्राफ होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या आपका साइन है, साइन का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे ही करके होता है ना, उसके बाद फिर आप ऐसे इसे प्लॉट कर दो, बस मतलब इसके अंदर ही आप इसे प्लॉट करना है, समझ गए, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो सिमिलरली आप इसे बनाओगे, यहां पे क्या दे रखा है, एक्स टी इक्वल्स टू ई टू द पावर टी साइन टी यू टी। ई टू द पावर टी का मैंने आपको ग्राफ बताया था, बताओ ई टू द पावर टी का कैसे ग्राफ बनता है, यहां पे जो ए टी की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है आपकी, यहां पे ए की वैल्यू क्या है, ई टू द पावर टी है, ठीक है, ये क्या है आपका ए टी, यहां पे क्या है, ई टू द पावर टी। इसका आपको क्या करना होगा, ग्राफ प्लॉट करना होगा, तो इसका ग्राफ ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद क्या करना होगा, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके अबाउट इसका मिरर इमेज लेना होगा, तो हमने ऐसे ले लिया। उसके बाद एट टी इक्वल्स टू जीरो पे एक्सटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो कितना हो जाएगा, यहां पे ई टू द पावर माइनस जीरो साइन जीरो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन जीरो क्या होता है आपका, जीरो होता है, तो आपका जो ग्राफ होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, तो सिर्फ प्लॉट कर दो, फिर इस जो एनवलप है जो बनाया हमने उसके अंदर भी इस ग्राफ को प्लॉट कर देना, बस समझ गया। अब देखो अब आपका क्या है, ई टू द पावर टू टी कॉस टी यू टी, ठीक है, तो यहां पे ए टी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी ए टी है, ए टी की वैल्यू क्या है आपकी, ई टू द पावर टू टी, ठीक है, तो मैंने आपका ई टू द पावर एटी का ग्राफ बताया था, वैसे ही आपका ई टू द पावर टू टी का भी ग्राफ बनेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका बताओ, कैसे बनेगा, ऐसे ही जाता था ना इंक्रीजिंग, फिर इसका क्या करना है, हमें मिरर इमेज ले लेना है, फिर हम क्या करेंगे, एट टी इक्वल्स टू जीरो पे एक्स टी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा, ई टू द पावर टू इंटू जीरो कॉस जीरो, ठीक है, कितना हो जाएगा, ई टू पावर वन इंटू कॉस जीरो क्या होता है, वन, तो क्या हो जाएगा, वन से स्टार्ट होगा, ठीक है, एक्स एट टी इक्वल्स टू जीरो पे एक्स टी की जो वैल्यू होगी ना वहीं से आपका ग्राफ स्टार्ट होता है, हमें कॉस का तो पता है ग्राफ कैसे बनता है, स्टार्ट बना दो फिर, ठीक है, तो ये आपका ग्राफ होगा, इस तरह से इस ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे, राइट, तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट